कि वर्दी का हाथ पकड़ लिया, मेरी गर्दन इसने इतनी तेज तोड़ने की कोशिश की और मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इसका हाथ पीछे करूंगी, आप दिखाएंगे। अलका लामा ने वर्दी पर हाथ, मत करो इनको, बोलो बोलो, निहत्थी तो है, अकेली है, ये सब खड़े हैं, मेरे से खतरा है, मैं मेरे हाथ में बम है, AK-47 है, क्या है, बस बैठी हूँ, बैठी हूँ, आराम से बैठी हूँ, गांधी के हृदय में शांतिपूर्ण तरीके से बैठी हूँ, हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान नहीं करने दे रहे, ये कौन से संविधान और कानून में लिखा हुआ है, कैसी ट्रेनिंग इनको दी है, ये तो कह रहे हैं जब अग्निपथ में 4 साल की ट्रेनिंग देकर बाहर हथियारों की भेजोगे ना, ऐसी गर्दनें तोड़ेंगे, निहत्थों की गर्दन तोड़ रही, अब या तो मेरी गर्दन टूटेगी या मैं अपनी गर्दन को बचाने के लिए इसको पीछे करूंगी, और जब मैं इसको पीछे करूंगी तो दिखाया जाएगा अलका लामा निहत्थे हैं, हम लोग निहत्थे हैं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सत्य की जय, या सड़क पर बैठना चाहते हैं, लोकतांत्रिक संविधान का अधिकार है, अपने लिए नहीं रो रही हूँ, छोटे आइए नहीं रो रही हूँ, देश की जो हालत हो रही है उसको लेकर नहीं रो रहा हूँ, उसको लेकर आज देश रो रहा है, देश रो रहा है, ये मैं नहीं रो रही हूँ, मेरी चोट कल ठीक हो जाएगी, जो चोट देश के लोकतंत्र को संविधान को पड़ रही, क्या मेरा नारा था, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, छोटे ठीक हो जाएंगे, चिंता नहीं है, सेना का जवान गोली का, मैं ठीक हूँ, पर ऐसे होगा नहीं ना, ऐसा होगा नहीं ना, इलाज की जरूरत सरकार, मैं कहती हूँ निहत्थी हूँ मैम, आपके लिए कोई खतरा नहीं हूँ, हूँ खतरा किसी, इतनी बड़ी पुलिस फोर्स के लिए किसी के लिए खतरा हूँ, ये भी जानते हैं हम, जय जवान जय किसान, भारत माता जिंदाबाद, बस लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का अधिकार है या नहीं, नहीं इत्तेफाक रखते आपकी अग्निपथ से, देश के करोड़ों युवा सड़क पर आंदोलित है, कोई सुनने वाला है, आत्महत्या कर रहे हैं वो, माँ बाप ने सोचा था बेटा जो है सरहद पर जाएगा, माँ भारती के लिए शहीद होगा, कफन में तिरंगा में लिपट के आएगा, तिरंगे में लिपट कर आएगा, वो माँ रो रही है, वो माँ रो रही है कि मेरे बेटे ने दम तोड़ दिया, उसको सफेद कफन में उसका बाप लेकर जा रहा है, तिरंगा कफन मांगा था, बस इसका ये कसूर था, तिरंगा कफन में मांगा था उसने, हरियाणा का हमारा भाई है, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है लोकतंत्र में, ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा कभी नहीं देखा, निहत्थे लोगों से इतनी बड़ी ताकत वाली सरकार।